बॉस सीजन 13 के इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां पर घर के सभी सदस्यों को कर दिया गया था नॉमिनेट, लेकिन इलाइट क्लब के मेंबर्स को कर दिया गया सेव, यानी कि बाकी बचे 4 सदस्य यानी कि पारस, माहिरा, शहनाज और आरती नॉमिनेटेड हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वोटिंग लाइंस बंद हैं। जी हाँ, ये सोचने की बात है और सभी के मन में ये विचार भी है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वोटिंग लाइंस अभी तक बंद है। और जैसा कि ये सब हम जानते ही है कि फ्राइडे को होता है वीकेंड का वार शूट एंड हाउ सलमान सर विल अनाउंस दिस कि कौन होगा एलिमिनेट, तो हम आपके इस सवाल का जवाब लेकर हाजिर हैं। हम सब ये जानते हैं कि इलाइट क्लब के मेंबर्स तीनों सुरक्षित हैं। उसके बाद उन 4 सदस्यों को दिया गया था एक मौका कि वो उनकी इम्यूनिटी को छीन के अपने पास ले लें, लेकिन टास्क हो गया खत्म, किसी को इम्यूनिटी नहीं मिली। इसके मतलब ये 4 सदस्य हो गए थे नॉमिनेट। लेकिन आपको बता दें कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार फिर से इन्हें मौका दिया जाएगा अपने आप को सेव करने का। और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्राइडे को वीकेंड का वार शूट होता है और अभी वोटिंग लाइंस खुलेंगी कैसे, क्योंकि अभी तक इम्यूनिटी वाला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला पारस छाबरा को सेव कर लेंगे और बच जाएंगे नॉमिनेशंस में शहनाज, आरती और माहिरा। यानी कि अभी तो वोटिंग लाइंस ओपन होने से रही और शायद हो सकता है कि इस हफ्ते एलिमिनेशन भी ना हो, क्योंकि वीकेंड का वार तो आज शूट हो ही जाएगा। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।